जबलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डर को कुचल दिया, जिससे बॉडी बिल्डर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डर मनीष यादव अपनी बाइक में सवार होकर घर गधेरी गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनीष बाइक सहित दूर जा गिरे। घटना की सूचना मिलने पर परिजन और साथी मौके पर पहुंचकर मनीष को अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डुमना एयरपोर्ट रोड पर इन दिनों शराबियों का अड्डा बन गया है। यही वजह है कि शराब पीकर कार चलाने वाले आए दिन लोगों को अपना बनाते हैं, पर कभी भी इन शराबियों पर कार्यवाही नहीं होती है। घटना मनीष यादव की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। डुमना रोड पे इतनी आवाजाही रहती है गाड़ियों की, इतनी तेज रफ्तार में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सुबह शाम दारूखोरी होती रहती है रोड पे और गाड़ियों से रफ्तार से ऐसे एक्सीडेंट कई हो रहे हैं। पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये इतना होनहार लड़का, अभी 26 साल इसकी उम्र है। अभी हाल ही में इसने बेंगलुरु में सेकंड पदक करी फर्स्ट प्रतियोगिता बॉडी बिल्डिंग में प्राप्त सेकंड स्थान प्राप्त किया था। आज पूरे परिवार को बहुत दुख है, इसका गहरा पूरा गहरी शोक व्याप्त है और मतलब ऐसा चाहते हैं कि इसमें शासन मदद करे, प्रशासन मदद करे। इनके घर में कोई नहीं है, इसका एक भाई अपाहिज है, घर पर कोई नहीं, अकेला करने वाला था। अब पूरा परिवार बिलख रहा है, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं शासन प्रशासन इनकी मदद करें और डुमना रोड में यातायात को लेकर उसमें ब्रैकेट लगवाएं, बैरिकेड लगवाएं। बॉडी बिल्डर मनीष यादव की मौत के बाद अब एएसपी अगम जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डुमना एयरपोर्ट पर शराबियों को पकड़ने के लिए अब जल्द ही मोबाइल वैन चलाई जाएगी, साथ ही ऐसे लोगों पर नकेल भी कसी जाएगी। जी, जो ये यादव जी थे, ये राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डर थे। बेंगलोर में भी ये जबलपुर के लिए इनाम जीत करके आए थे। कल रात को जो सड़क हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उसमें उनकी मौत हुई है और उस पर प्रकरण कायम कर लिया गया है और शीघ्र ही जिसने भी दुर्घटना कारित की है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, जो गाँव वाले थे उनके द्वारा जो मांगे थी उसको मैंने और SDM साहब ने सुना और जो भी जेन्युइन मांगे हैं उनको जल्दी ही पूरा किया जाएगा। पुलिस वहाँ पर गश्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात आपके बिल्कुल सही है कि वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो असामाजिक हरकत करते हैं और शराब पी करके बाकी अन्य जो रहवासी हैं उनको भी गाड़ी चलाना दुभर कर देते हैं। तो आने वाले समय में हम नगर निगम से बातचीत करके भी वहाँ संकेतक लगाएंगे। रोड के चौड़ीकरण का भी प्रयास चल रहा है और उसके अलावा पुलिस की तरफ से भी वहाँ पर एक पेट्रोलिंग मोबाइल लगातार भ्रमण पर रहेगी ताकि शाम के बाद मुख्य तौर पर जो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं वो ना हो पाए। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।